नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज की बड़ी खबरें लेकर। लेकिन यदि उससे पहले आपने अपने चहेते चैनल न्यूज़वर्ल्ड 24 को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पता नहीं कौन सी बड़ी खबर आपके काम की हो। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाएं देश व प्रदेश की मुख्य बड़ी खबरों की तरफ। LG ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन, हथेली की नस से होगा अनलॉक। स्पेन के बार्सिलोना में हाल ही में संपन्न हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में LG ने अपने दो नए स्मार्टफोन LG G8 ThinQ, G8S ThinQ लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने LG V50 ThinQ 5G की झलक भी दिखाई है। LG के LG G8 ThinQ, G8S ThinQ स्मार्टफोन की खासियतों की बात करें तो इसमें हैंड ID दी गई है, जिसकी मदद से आप हथेली की नस दिखाकर फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। इन दोनों फ़ोन में क्रिस्टल साउंड OLED दिया गया है। इस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी पोर्ट्रेट मोड मिलेगा। फ़ोन की कीमत के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुंभ नगरी में बना एक और विश्व रिकॉर्ड, 6000 कलाकारों ने की पेंटिंग। तीर्थ नगरी प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में शुक्रवार को एक और विश्व रिकॉर्ड बना। आज सुबह 10 बजे मेला प्राधिकरण के द्वारा मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 स्थित गंगा पंडाल में हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने अपने हाथों से पेंटिंग की। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के हाथों की छाप से जय गंगे नाम की पेंटिंग कराई गई। माई पेंट सिटी योजना के अंतर्गत पूरे प्रयागराज शहर के चौराहों, पुलों और भवनों आदि को कलाकृतियों से सजाया गया है। इस अभियान में लगे सभी 6000 कलाकार शुक्रवार को गंगा पंडाल में कैनवास पर पेंटिंग की। हर गतिविधि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी हुई। कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गुरुवार की देर रात सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को शुक्रवार तड़के मार गिराया था, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं शुक्रवार शाम फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई, इसमें 4 जवानों के शहीद होने की खबर है। वहीं 5 जवानों के घायल होने की भी सूचना है। आपको बता दें कि कुपवाड़ा जिले में गुरुवार देर रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया था। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे लगभग 1:30 बजे रात मुठभेड़ शुरू हो गई। हवाई मार्ग से अभिनंदन की वापसी चाहता था भारत, वाघा बॉर्डर पर अड़ा पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्तमान को रिहा करने की पाकिस्तान की घोषणा के बाद भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वह चाहता है कि पायलट को हवाई मार्ग से वापस भेजा जाए, न कि वाघा बॉर्डर सीमा से। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि देर रात पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया कि वह अटारी वाघा सीमा से ही पायलट को वापस भेजेगा। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान भी विंग कमांडर वर्धमान को वापस लाने के लिए एक विशेष विमान पाकिस्तान भेजने पर विचार कर रहा था। वर्धमान अब वाघा सीमा से स्वदेश लौटेंगे, जो पाकिस्तान के लाहौर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। चुनाव में अब मनरेगा जॉब कार्ड से भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 और प्रमाण पत्रों को वोट डालने के लिए वैध करार दिया है। इसमें मनरेगा जॉब कार्ड भी शामिल है। आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है। जिनके पास चुनाव आयोग की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र नहीं है, वह अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र की मदद से वोट डाल सकेगा, बशर्ते उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। अधिकांश राज्यों में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे केंद्रीय कर्मचारियों का ID कार्ड, आधार कार्ड, भारत के श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक और MLC द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि को वोट डालने के लिए स्वीकार करता है। NRI वोटर अपने पासपोर्ट की कॉपी दिखाकर वोट डाल सकेंगे। 20 भारतीय संस्थान शीर्ष 100 में। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, मुंबई, मद्रास व खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु सहित 20 भारतीय संस्थानों ने दुनिया भर के संस्थानों के बीच विषयवार रैंकिंग में शीर्ष 100 में जगह बनाई है। QS की ओर से जारी संपूर्ण रैंकिंग में अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। विषयवार श्रेणी के शीर्ष 100 स्थान पाने वाले सभी संस्थानों को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बधाई दी है। संपूर्ण रैंकिंग की यदि बात करें तो IIT बॉम्बे 162वें, IISc बेंगलुरु 170वें पे, IIT दिल्ली 172वें,
IIT मद्रास 264, IIT कानपुर 283वें, IIT खड़गपुर 295, IIT रुड़की 381, IIT गुवाहाटी 472वें और DU 487वें स्थान पर रहा। UGC नेट 2019 रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। UGC नेट 2019 जून एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार परीक्षा के लिए NTA NET.NIC.IN पर अप्लाई कर सकते हैं। यह दूसरी बार है जब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट 2019 परीक्षा का आयोजन करा रहा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 मार्च है। नेट की परीक्षा 84 सब्जेक्ट के लिए 91 सिलेक्टेड सिटीज में कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप पदों का पात्र होने के लिए इस परीक्षा का आयोजन होता है। आवेदन आप www.nta.ac.in या www.nta.net.nic.in पर करा सकते हैं। UGC नेट परीक्षा कई सेशंस में आयोजित होगी। परीक्षा 20, 21, 24, 25, 26, 27 और 28 जून 2019 को आयोजित होगी। परीक्षा के नतीजे 15 जुलाई तक जारी होने की संभावना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें, ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। रेडमी नोट 7 और रियलमी को टक्कर देने के लिए कंपनी ने इसकी कीमत में कर डाली बड़ी कटौती। स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी वीवो ने भारत में अपने स्मार्टफोन की कीमत में कटौती कर दी है। कंपनी ने अपने वीवो Y91 की कीमत में कटौती की है। इसमें वाटर ड्रॉप डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा फोन में सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक फीचर और फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने 10,990 रुपये में लॉन्च किया था। कंपनी ने हाल ही में लॉन्च हुए रेडमी नोट 7 और रियलमी को टक्कर देने के लिए इसकी कीमत में कटौती कर दी है। कंपनी ने इसकी कीमत 1,000 रुपये घटा दी है। अब इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन और ऑफलाइन 9,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। महाराज पाक विदेश मंत्री ने किया बॉयकॉट, OIC की बैठक में आतंकवाद पर यूं बरसी सुषमा स्वराज। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में आयोजित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। बता दें कि OIC की बैठक में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है, जबकि भारत इस संगठन का सदस्य भी नहीं है। OIC में अपने संबोधन की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि वह यहाँ वर्षों तक ज्ञान का केंद्र रही धरती, विश्वास और परंपराओं की धरती और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार देश के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ मौजूद है। भारत की परंपरा और विश्वास का जिक्र करते हुए यहाँ बड़ी संख्या में रह रहे मुस्लिम लोगों का जिक्र किया। सुषमा स्वराज ने अबू धाबी समेत अरब देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों का भी जिक्र किया। हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को झुका दिया, इमरान खेल भावना के अनुसार अच्छी राजनीति करे। पाकिस्तान में बंदी बनाए गए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी के लिए भारतीय प्रयासों पर प्रसन्नता जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को कहा कि देश के वीर सैनिकों ने पड़ोसी मुल्क को दबाव में लाकर उसे झुका दिया। भारतीय वायुसेना के पायलट की रिहाई से पहले महाजन ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, हमारे देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान में फंसे किसी भारतीय सैनिक की इस तरह वतन वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम समझ सकते हैं कि हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को झुका दिया और पड़ोसी देश दबाव में आ गया। उन्होंने अभिनंदन की रिहाई के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरी इस बात के राजनीतिक मतलब कतई नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका और भारत के पड़ोसी देशों से गुजरे वर्षों में जो रिश्ते जोड़े हैं वे आज हमारे काम आए। सरकार ने बताया 1.5 साल में सबसे कम बढ़ी GDP, 5 साल में सबसे खराब रहेगा 2018-19 का आंकड़ा। आम चुनावों से पहले अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी मंद पड़ी है। आर्थिक वृद्धि दर तथा बुनियादी उद्योग की वृद्धि के ताजा आंकड़ों से यह संकेत मिलता है। कृषि और विनिर्माण क्षेत्र का कमजोर प्रदर्शन तथा उपभोक्ता मांग नरम पड़ने से तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर में आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रही। यह पिछली 5 तिमाही में सबसे कम है। बृहस्पतिवार को जारी सरकारी आंकड़े में ये जानकारी दी गई है। हालांकि तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़ने के बावजूद भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर दिसंबर में समाप्त तिमाही में 6.4% रही। इसके साथ ही 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के पहले से ही अनुमानित 7.2% से घटकर 7% रहने का नया अनुमान लगाया गया है। आर्थिक वृद्धि का संशोधित अनुमान यानी 7% वृद्धि का अनुमान यदि सही साबित होता है तो यह पिछले 5 साल की सबसे कम वृद्धि होगी। तीसरी तिमाही की वृद्धि दर इससे पिछली तिमाही के संशोधित अनुमान 7% तथा अप्रैल जून तिमाही में 8% के अनुमान से कम है।
भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आयोग का ऐलान, तय समय पर ही होंगे लोकसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ऐलान किया कि देश में लोकसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद चुनाव के समय को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। शुक्रवार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा टेंशन को देखते हुए आयोग नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी ने कहा, हर भारतीय को तमिलनाडु के विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय को तमिलनाडु के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की बहादुरी पर गर्व है। बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में थे। इस दौरान उन्होंने मदुरई और चेन्नई के बीच फास्टेस्ट ट्रेन तेजस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक ट्रेनों में से एक है और मेक इन इंडिया का अच्छा नमूना है। इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई में ही लगी कोच फैक्ट्री में हुआ है। मोदी ने विपक्षी दलों के गठजोड़ को कहा महामिलावट। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के गठजोड़ को महामिलावट की संज्ञा देते हुए मोदी ने कहा कि यह खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस का प्रयास है। कांग्रेस छोटे छोटे दलों के कंधों पर सवार होकर अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। मोदी ने कहा यह महागठबंधन नहीं महामिलावट है। खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस छोटे छोटे दलों का सहारा ढूंढ रही है। छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे वो फिर से अपनी जिंदगी ढूंढ रही है। ये मिलावट सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को जीवित रखने के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि एक समय कांग्रेस संसद से लेकर पंचायत तक थी, लेकिन आज उसे ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। उसे छोटे छोटे दलों को जोड़ना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब आपके पीएफ खाते में जमा होगा ज्यादा पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए विशेष भत्ते यानी स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे का हिस्सा बताया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब नौकरी पैसा वाले लोगों के खाते में ज्यादा पीएफ जमा हो सकेगा। स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में शामिल करने पर पीएफ के तौर पर जमा की जाने वाली रकम में इजाफा होगा और इससे नौकरी पैसा लोगों को फायदा पहुंचेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बेंच के सामने यह सवाल पूछा गया था, क्या कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को दिए गए विशेष भत्ते को सेक्शन 2B सेकंड के तहत मूल वेतन के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए, जिसके जवाब में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।